जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा पर डिबेट करवानी थी, जिसको चेयर किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। डिबेट में पीएम मोदी के जवाब में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला वो बताने से पहले आपको इस चीज का एहसास करवा दूंगी। भारत की ताकत पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब बाकी देशों को इन्फॉर्म किया गया कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर डिबेट भारत करवाएगा उसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही वर्चुअल मोड से चेयर करेंगे, तो जितने 20 सदस्य देश इस डिबेट में हिस्सा ले रहे थे लगभग सभी देशों ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में अपनी कैबिनेट और सरकार के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को भेजा। वैसे तो इस तरह की मीटिंग में आमतौर पर जो सभी देशों के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसको अटेंड करते हैं, लेकिन पिछले कल भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में 10 देशों ने अपने मिनिस्टर्स भेजे। एक देश वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए, जबकि 2 देशों के प्रेसिडेंट ने भी ये डिबेट अटेंड की, जिसकी जानकारी डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पिछले कल ट्वीट करके दी। डिबेट की हाईलाइट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का प्रेजेंट रहना था, जिसने कई थिंक टैंक्स और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था। साथ में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी कि 10 अलग अलग देशों ने तो रिटर्न में अपनी पोजीशन भी भेजी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत ने डिबेट करवाई वो टाइमली और रिलेवेंट थी। साथ में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर स्टेटमेंट थी वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी सदस्य देशों ने बिना किसी विरोध के एक साथ एक्सेप्ट कर ली। चाइना की बात करें तो चाइना ने इस डिबेट में अपने फॉरेन मिनिस्टर तो छोड़ो, जो उसके यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था उसको तक उसने नहीं भेजा। चाइना के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन ने ही मीटिंग अटेंड की थी। साथ में पिछले कल इस डिबेट में चाइना और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने आ गए थे। दरअसल अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने डिबेट में बिना चाइना का नाम लिए ये कह दिया कि जब किसी देश को मैरीटाइम सिक्योरिटी के रूल्स तोड़ने का दंड बिल्कुल नहीं दिया जाता तो ये बाकी जगह भी इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता को बढ़ाता है, यानी एक देश को देखकर बाकी सभी देश भी इस तरह की हरकतें करते हैं। अमेरिका के जवाब में चाइना ने नाम लेकर अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि ये साउथ चाइना सी को डिस्कस करने का सही प्लेटफॉर्म नहीं है, अमेरिका बेवजह मुद्दा उठाकर परेशानी पैदा कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब बताया कि भारत इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है और ऐसे ही समुद्री सुरक्षा पर ज्यादा अहमियत देने पर जोर देने की बात बोली, तो उसके जवाब में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी के सामने अपनी राय रखी। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि क्यों ना हम यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक अलग सिस्टम तैयार करें, ऐसी बॉडी तैयार करें जो डायरेक्टली दुनिया के अलग अलग रीजन्स में मैरीटाइम क्राइम से निपटने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको सभी यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का सपोर्ट हो, उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सोसाइटी, एकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी शामिल हों। वैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की यह राय और नीयत तो अच्छी है, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी पर एक स्ट्रक्चर बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्रीज और ट्रेड रूट्स को लेकर दुनिया के मैक्सिमम देशों के बीच में कई सारे विवाद हैं, जिनमें से सबसे मुख्य साउथ चाइना सी में है। ऐसे में बहुत ही मुश्किल है कि इस मुद्दे पर दुनिया भर के सभी देश एक टेबल पर आकर बात कर पाएं या फिर कोई एक कॉमन फ्रेमवर्क तैयार कर पाए। साथ में अब ये भी कई बार देखने को मिल रहा है कि मैरीटाइम क्राइम्स के पीछे स्टेट स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स का भी हाथ होता है, जिसका उदाहरण है रिसेंटली जो इसराइल के ऑयल टैंकर्स और शिप्स के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। वैसे जो भी हो, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चेयर्ड इस डिबेट के लिए जो पिछले कल अलग अलग देशों ने अपने मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भेजे वो दर्शाता है कि अब दुनिया के सभी देश भारत को एक लीडिंग ग्लोबल पावर के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।